हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टे ट्यून विद समुद्रिका। अक्सर जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई चीज़ या कोई डेकोर आइटम अपने घर के लिए ज़रूर लेके आते हैं, पर वक्त के साथ साथ कभी कभी उन चीज़ों में थोड़ी बहुत खराबी आने लगती है। जैसे कि ये प्यारा सा बुद्धा का हेड मैं लेके आई थी अरुणाचल प्रदेश से कुछ 4-5 साल पहले, बट इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत हवा और पानी की वजह से इसमें हल्की फुल्की जंग सी आने लगी है। तो मैंने सोचा कि इसका हल्का सा एक मेकओवर किया जाए। तो सबसे पहले मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर दिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे टील ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। ये एक्रिलिक कलर है। ब्रश की मदद से मैं इसे पहला कोट दे रही हूँ और मैंने इसमें 2 कोट दिए हैं। एक बार जब ये कोट अच्छे से सूख गया उसके बाद मैंने सेकेंड कोट भी इसमें अप्लाई किया है। आप चाहें तो पहले वाइट कलर का बेस कोट दे सकते हैं, बट मैंने नहीं दिया, मैंने डायरेक्टली यही कलर इसमें अप्लाई किया है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग एंड द कलर हैज एक्चुअली कम अप वेरी ब्यूटिफुल। बहुत ही प्यारा सा कलर ये निकल के आया है। आप इसका फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा एंड तब आपको पता चलेगा कि कितना प्यारा इसका कलर निकला है। सो फेस कलर करने के बाद यहाँ पे इनके मुकुट को मैं दूसरा ब्लू कलर दे रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने सेकेंड 2 कोट अप्लाई किए हैं। आई विल मेंशन द एग्जैक्ट कलर शेड हियर। एक बार ये अच्छे से जब सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इनको और अच्छी तरीके से डेकोरेट करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने अपना डॉट मंडाला का टूल किट लिया है, उससे मैं यहाँ पे मजेंटा एंड अगेन आई विल टेक येलो कलर ऑल्सो, उससे कुछ डॉट्स बना रही हूँ। थोड़ा सा इसमें ना अच्छा सा एनहांस लुक आएगा। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। बट आप चाहे तो अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं या स्टोन्स हैं, आप उन चीज़ों या मोती हैं, उन चीज़ों को भी यूज़ करके इस तरीके से कुछ डेकोरेट कर सकते हैं। एंड अगेन, अगर आपके पास डॉट मंडाला का ये टूल किट नहीं है तो आप नॉर्मली जो ब्रशेज होते हैं उनका पीछे का जो पोर्शन होता है उससे भी आप डॉट्स बना सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, डॉट मंडाला मैंने कुछ कुछ जगह पे मैंने आप लोग को दिखाया हुआ है, उन वीडियोज़ में मैंने मैंशन किया हुआ है। इवन इफ़ यू डोंट हैव अ डॉट मंडाला किट, आप बहुत ही ईजी तरीके से डॉट्स बना सकते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत कोल्ड हो रखा है, दैट इज़ द रीज़न बीच बीच में शायद आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। एंड कुछ इस तरीके से ये देखिए ये कलर निकल के आया है एंड आप इसका फाइनल लुक देखिएगा, इट हैज़ टर्न अप रियली रियली ब्यूटिफुल। एंड क्योंकि सर्दी बहुत तेज़ हो गई है मुझे, तो साथ के साथ मेरी अदरक और काली मिर्च वाली चाय भी चल रही है। एंड ये रहा इसका फाइनल लुक। एंड गाइज, अगर ये मेकओवर आपको अच्छा लगे, इनमें से कोई भी मेकओवर, मैं यहाँ पे 2 शेयर कर रही हूँ, आपको कोई भी मेकओवर इसका अच्छा लगे तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। ऑल्दो हम कुछ 5-10 मिनट्स वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, बट कोई भी DIY या कोई भी डेकोर जब हम करते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, शूट करने में, देन एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए। एंड नाउ चलते हैं अपने सेकेंड मेकओवर की ओर। ये अगेन एक बहुत ही प्यारा सा बुद्धा स्टैचू था जो मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, बट रखे इसमें इसका जो गोल्डन कलर है ये काफ़ी फेड हो गया था, तो आई थॉट कि चलो इसमें कुछ और कलर्स ऐड किया जाए। यू ऑल नो मी वेरी वेल, मुझे कलर्स बहुत पसंद है एंड दैट्स वाई आई हैव जस्ट एडेड फ्यू कलर्स हियर एंड उससे इसका बहुत ही अच्छा सा लुक आया है। यू कैन सी हियर आई हैव यूज येलो एंड टील ब्लू कलर। एंड जब इसका फाइनल लुक आएगा एंड जहाँ पे मैंने इसे प्लेस किया, आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छे से उसको एंड उस एरिया को बहुत ही अच्छे से अपलिफ्ट कर रहा है। सो हियर इट इज़ एंड आई एम लविंग इट, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है इस कॉर्नर में। आई जस्ट होप कि आपको भी कैमरे पे उतना ही अपीलिंग लग रहा होगा एंड सी दिस इज़ हाउ इट हैज़ कम अप।
सो दीज वर द टू मेकओवर्स दैट आई वांटेड टू शो यू टुडे. एक्चुअली मैंने कुछ और भी शूट किया था, बट एज आई टोल्ड यू तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो उसके एडिटिंग में नहीं कर पाई हूँ. सो दैट आई विल शो यू मे बी इन माई नेक्स्ट वीडियो विच विल कम नेक्स्ट फ्राइडे. सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.